ओम श्री गणेशाय नमः, जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द पाइसेस साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये महीना यानी कि जून मंथ आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाकी जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ पर आ रही है, स्क्रीन पर आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है। सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। सबसे पहले हम ब्लेसिंग्स देखेंगे कि पाइसेस की तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर द मंथ ऑफ जून। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके, बी रेडी टू रिसीव योर ब्लेसिंग्स। पाइसेस के लिए जून के महीने में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फ्रॉम द डिवाइन, लेट्स फाइंड आउट। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है गायत्री देवी, आप देख सकते हैं। अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए सबसे पहले। ओके, मदर ऑफ डिवोशन। सो इसका क्या मतलब है, देखिए कार्ड में ऐसा लगता है लाइक पाइसेस जो हैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली यू नो इंक्लाइंड हो रहे हैं, एंड मे बी इट्स अबाउट लाइक आप अपने पाथ पे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पीस ऑफ माइंड स्पेशली कार्ड में आ रहा है, दैट यू आर गेटिंग पीस ऑफ माइंड, कनेक्ट कर रहे हैं वर्ल्डली चीज़ों से, डिसकनेक्ट करके कुछ लाइफ में यू नो आपको ऐसा लगता है कि कुछ सेक्टर है जो नहीं ठीक चल रहे हैं फॉर अ वाइल, तो आप उनको लेट गो करके आई थिंक अपनी पीस ऑफ माइंड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और यहाँ पे गायत्री देवी हैं, ठीक है, आप गायत्री मंत्र चैन कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है इस महीने, फेवरेबल, ठीक है। जितना ज़्यादा आप यू नो पाठ पूजा करते हैं या भगवान का नाम लेते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, स्पिरिचुअल नॉलेज आपकी बढ़ रही है। मुझे जैसे हम बात कर रहे थे कि कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंक्लाइन हो रहे हैं, एंड कॉन्सेंट्रेशन पावर जो है आपकी वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है। आप यू नो एक्चुअली में डिसाइड कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में कि क्या चीज़ें अहमियत रखती हैं और क्या चीज़ें नहीं अहमियत रखती, तो ये बहुत अच्छी बात है। एबिलिटी टू प्लीज ऑल द गॉड्स, तो ऐसे लगता है सभी देवी देवता जो हैं वो खुश हैं और खुश होकर आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है, कि पाइसेस यू आर डूइंग वंडरफुल और आई थिंक आप पॉजिटिव हैं और जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी आप फेस कर रहे हैं, स्टिल यू आर सो पॉजिटिव एंड यू आर अचीविंग, ठीक है। जितना ज़्यादा कहते हैं ना थैंकफुल रहते हैं तो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, तो दीज ऑल ब्लेसिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू पाइसेस, ब्यूटिफुल एनर्जी। चलिए अब हम लव लाइफ की बात कर लेते हैं पाइसिस की। ओके, सो एज यूजुअल जैसे कि हम हमेशा यू नो सिचुएशन देखते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में राइट नाउ क्या सिचुएशन है, लेट्स फाइंड आउट पाइसिस। ओके, सो हमारे पास यहाँ जजमेंट का कार्ड आ रहा है। ऑफकोर्स आपने जो फैसला है वो भगवान के हाथ में छोड़ दिया है, इट्स दैट कि अब आप ये सोचते हैं कि जो होगा भगवान डिसाइड करेंगे यू नो और सब कुछ उनको उनके हाथ में छोड़ दिया। आई थिंक रीवैल्यूट कर रहे हैं आप, आपको लग रहा है, आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या आप इस पर्सन की लाइफ में अहमियत रखते हैं कि नहीं रखते हैं, एंड यू आर वेटिंग, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपको लगे कि नहीं कुछ हो रहा है, स्टेप बैक, तो वो वाली एनर्जी है, ठीक है, कि आप स्टेप बैक करके यू आर वेटिंग फॉर राइट पर्सन, आप वेट कर रहे हैं राइट पर्सन के लिए, या हो सकता है कि वैसे ही वेट कर रहे हैं सो दैट देखने के लिए कि क्या एक्चुअली में आप इस पर्सन की लाइफ में मैटर करते हैं कि नहीं, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। चलिए और देखते हैं करंट फीलिंग्स। यस, वही बात है कि ऑन ऑफ, ठीक है, और शायद हो सकता है इस बार मुझे ऐसा लग रहा है पाइसेस इट्स अबाउट मे बी जो रनर एनर्जी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो आई थिंक हो सकता है कि आप यू नो इस सिचुएशन में से लाइक यू आर अवॉइडिंग दैट पर्सन, और शायद हो सकता है कि लाइक ऑन ऑफ पाइसेस की तरफ से चल रहा था, मे बी सिचुएशन थोड़ी चेंज हुई है, या हो सकता है इट्स अबाउट कि आपको आप इजिली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं इसलिए आप भाग रहे हैं, आपको लग रहा है कि नो यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट दिस पर्सन, ठीक है, सो यू आर रनिंग अवे, और शायद हो सकता है अट्रैक्टेड है। अच्छा, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि पाइसेस यू आर टू बिजी, आप बहुत बिजी हैं, अपने काम में मशरूफ हैं, अपने आप में कुछ अचीव कर रहे हैं, कुछ बिल्ड कर रहे हैं, तो आपके पास वक्त नहीं है मतलब ऐसे किसी यू नो रिलेशनशिप के लिए जहाँ पे क्लियर कोई क्लियर नहीं कुछ भी यू नो बता रहा कि क्या एक्चुअली में चाहते क्या है, तो वो चीज़ भी हमें दिखाई दे रही है। बस
एंड यू वॉन्ट अटेंशन एज वेल, यू वॉन्ट अटेंशन, मतलब आप अटेंशन चाहते हैं, क्लियर अटेंशन चाहते हैं, तो ये हमें सिचुएशन दिखाई दे रही है. और अदर हैंड अगर आपके पार्टनर की बात करें, येस ऑफकोर्स ये जो पर्सन है दे आर लाइक लॉस्ट समवेयर. ये पर्सन ये क्लैरिटी नहीं दे रहे, हो सकता है इनके पास चॉइसेस हैं, हो सकता है उलझे हुए हैं, हो सकता है उनको समझ नहीं आ रही कि रिकंसिलिएशन करें कि ना करें. ठीक है, तो ये पर्सन पेशेंटली वेट कर रहे हैं. ओके, सो हमारे पास यहाँ पे 7-7 एनर्जी ऑलरेडी दिखाई दे रही है. ओके, 6-6, 7-7 हो सकता है, ये नंबर्स आप देखते हो. एसिस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, 1-1 कुछ के लिए हो सकता है. एसिस न्यू एनर्जी, हो सकता है किसी न्यू पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, या हो सकता है ये पर्सन अपने फाइनेंसिस पे बहुत ज़्यादा काम यू नो बिजी, बहुत बिजी है, और शायद हो सकता है इनको डर लग रहा है कि ये स्टेप फॉरवर्ड कैसे करें. तो अगेन ये उनके फियर्स हैं, ठीक है ना, और कुछ आपके भी हैं. ठीक है, आपके ये है कि आप किसी रिलेशनशिप में जंप नहीं करना चाहते, आप जंप नहीं करना चाहते, तो इट्स गुड दैट यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ. हाँ, बट ये ज़रूर है कि कई बार ऐसा होता है कि ओवर प्रोटेक्टिव हो जाना, किसी पे विश्वास ना कर पाना, दीज आर द साइंस ऑफ फियर. और मे बी हो सकता है आपको इस पर वर्क करना है, अपने हार्ट चक्रा को ओपन अप करना है. ठीक है, तो सो दैट कि आज मैं एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ रही थी, एंड दैट वाज कि यू हैव टू ओपन अप योरसेल्फ. ऐसा नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड दे आर इग्नोरिंग यू. लेट गो, ठीक है, आप लेट गो कीजिए एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, और स्पेस क्रिएट कीजिए सो दैट राइट पर्सन कैन एंटर. अगर वो राइट नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि कभी कोई राइट आएगा ही नहीं. यू हैव टू क्रिएट दैट स्पेस. अगर आप बंद कर लेंगे तो स्पेस ही नहीं बचेगा किसी के लिए भी आने के लिए. ठीक है ना, तो स्पेस दैट यू हैव टू क्रिएट दैट. ओके, इंटेंशंस क्या है इस पर्सन की? आई थिंक बहुत परेशान है, वो खुद ही परेशान है, उनको खुद ही समझ नहीं आ रहा कि वो चाहते क्या है. 9 of Swords एनर्जी, समटाइम्स दे थिंक अबाउट यू, जब देर रात को यू नो जागते हैं, दे थिंक अबाउट यू, फील अबाउट यू. थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं बुरी तरह, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, और विल दे कम आउट ऑफ इट? येस दे विल कम आउट ऑफ इट. ओके, मतलब निकल जाएंगे उसमें से. नेक्स्ट मूव क्या होगा इस पर्सन का? आई थिंक कोई चाहता है बैलेंस क्रिएट करना. ठीक है, मतलब हो सकता है कि कुछ दिनों में या कुछ टाइम में हो सकता है कि ये पर्सन यू नो आपकी तरफ आए, एक यू नो बैलेंस क्रिएट करना चाहे, चाहे बात हो रही है कि नहीं, तो पीस एंड हार्मनी यू नो रिलेशनशिप में, कि चलो सब ठीक हो जाए, ऐसा कुछ आउटकम जून महीने में. आई थिंक फिर वही बात है कि कुछ चीज़ें हैं, आई थिंक ये जो पर्सन है अभी कैरी कर रहे हैं. 5 of Swords एनर्जी आ रही है यहाँ पे, तो उसका मतलब ये है कि देर इज़ समथिंग. हो सकता है कि मतलब ये पर्सन कुछ फंसे हुए हैं किसी चीज़ में, निकल नहीं पा रहे हैं, प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है. कुछ के लिए हो सकता है दिस इज़ योर सोलमेट, ठीक है, आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, या कोई ऐसा रिलेशनशिप है समथिंग स्पिरिचुअल, यू हैव टू यू नो आपको अपने अपने पे सेल्फ वर्क करना है, कुछ भी हो सकता है. चलिए और देखते हैं जून मंथ में व्हाट इज़ हैपनिंग. हम सिंगल लोगों की बात करेंगे. सिंगल लोग हमेशा कहते हैं कि हमारे बारे में बात नहीं करते, ठीक है, बीच बीच में हम, येस ऑफ कोर्स हम बात करते हैं, बट शायद हो सकता है कि पूरी आप शायद सुन नहीं पाते हैं. ओके, स्टे ऑप्टोमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ. ठीक है, तो ये इट्स फॉर एवरीवन ही, सॉरी, इट्स फॉर एवरीवन. न्यू लव, हमारे पास न्यू लव आ रहा है यहाँ पे. स्टे ऑप्टोमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, जैसे मैं पहले कह रही थी, ऑप्टिमिस्टिक होना मतलब पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देन वी आर गेटिंग न्यू लव, न्यू लव आने के भी चांसेस है, स्पेशली जो सिंगल लोग हैं. ठीक है, सो न्यू लव. ओके, और यहाँ पे हमारे पास सेपरेशन का भी कार्ड आ रहा है. इसका मतलब ये है दैट न्यू लव आने के चांसेस है, बट आप हो सकता है कि कुछ स्पेसिफिक ढूंढ रहे हैं, तो हो सकता है लाइक यू नो एक सेपरेशन फेज हमें दिखाई दे रहा है जून मंथ में भी. हो सकता है कि या तो कुछ ऑन ऑफ चलेगा एंड देन अगेन यू नो आप लोग सेपरेट हो जाएं. व्हाट एल्स? ओके, सो हो सकता है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा. कुछ आपके फ्रेंड्स हैं कॉमन, तो आप उनसे बात कर सकते हैं और अपने मन की बात रख सकते हैं यहाँ पे. बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नो एक पैशन है आप लोगों के बीच में, एक इमोशन है, बट आई थिंक इट्स अबाउट यस ट्रू लव. या तो कुछ लोगों के लिए, ऑफकोर्स यू आर डीलिंग विद द राइट पार्टनर, आप अपने यू नो सोलमेट या जिन्हें जो भी कहें, वो उनके साथ आप डील कर रहे हैं, वो चीज़ हो सकती है. एंड दैट थिंग इज टेकिंग फॉर एवर, इस चीज़ को बहुत टाइम लग रहा है और इसी वजह से पाइसिस बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं. तो पाइसिस के लिए जून मंथ में मुझे ऐसा लगता है कि यस चांसेस हैं न्यू लव के, वो आप यू नो किसी को टाइम देना चाहे ना देना चाहे वो आपके ऊपर है. देन ऑफ कोर्स वी आर गेटिंग लाइक
यू नो किसी के थ्रू, मे बी इट्स अबाउट कि अगर आप सिचुएशन को संभालना चाहते हैं तो आप किसी से बात कर सकते हैं, अगर आपके पास अगर आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं, या यू कैन एक्सप्रेस व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, आप क्या चाहते हैं रिलेशनशिप में. तो मुझे ऐसा लगता है कि बात नहीं हो पा रही है. ठीक है, बात कहाँ आ रही है, इट्स अबाउट यस कि कुछ साइंस है ऐसे कि कुछ देर आर समथिंग, ये जो पर्सन क्लियर नहीं हो रहे, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स. कुछ के लिए हो सकता है कि ये पर्सन यू नो मतलब क्लियर नहीं कर रहे हैं बातें, इग्नोर कर रहे हैं आपको. ठीक है, ओपन अप नहीं हो रहे हैं और यहाँ रेड फ्लैग्स हैं, तो शायद हो सकता है कि वक्त अभी सही नहीं है. ठीक है, तो या तो यस ये फैमिली इश्यूज हैं आप लोगों के बीच में, यू नो लाइक योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स, सो मे बी देर आर फैमिली इश्यूज. आई थिंक कुछ चीज़ें हैं, समथिंग कर्मा बिहाइंड दैट, और आपको उस चीज़ को यू नो लेट गो करना होगा, तभी ये चीज़ें ठीक होंगी. बट डेफिनेटली ऑफकोर्स मतलब कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि येस आप लोगों का रिकंसिलिएशन हो सकता है, ये पर्सन आपको रीच आउट कर सकते हैं. बट अगेन फिर वही बात है कि कुछ चल रहा है एट बैक ऑफ द पेज जो आप अभी देख नहीं पा रहे हैं, और शायद हो सकता है कि यू नो समझ नहीं पा रहे हैं. थोड़ा सा और देख लेते हैं, बिकॉज लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं एक्चुअली में हो क्या रहा है लव लाइफ में, वेयर इज दिस हेडिंग पाइसेस की लव लाइफ में एक्चुअली में, यू नो. Pisces की लव लाइफ में आप यहाँ देख सकते हैं, ओ माई गॉड आई डोंट बिलीव दिस बट आई हैव टू, यस ऑफ कोर्स 22 नंबर, ये नंबर प्रोमिनेंट हो सकता है, 22 222 एक्चुअली में कुछ लोग आप अपने काउंटर पार्ट के साथ यू नो डील कर रहे हैं, और यिन यांग एनर्जी है, सो इट्स अबाउट गिव एंड टेक, इट्स अबाउट मिररिंग. ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, नंबर देखिए 22 33, क्या और साइंस आपको दिख रहे हैं. तो डोर्स तब खुलेंगे जब आप टोटली अपने लाइफ अपने आप पे सेल्फ वर्क करेंगे. ठीक है, लाइक आपका जैसे कहते हैं ना लाइक पर्पस, इट्स अबाउट सर्विंग अ पर्पस. तो जब आप अपनी लाइफ में सब कुछ यू नो सॉल्व कर लेंगे, तब आई थिंक ये यूनियन पॉसिबल हो सकता है. इट्स अबाउट बैलेंसिंग, याद रखिए कर्मा या जो भी है वट एवर यिन यांग का कार्ड है. ठीक है ना, तो यस डेफिनेटली कि चीज़ें तभी होंगी, या आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है. भगवान ये भी कह रहे हैं कि आपको बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ऑल विद इन. ठीक है, इसको महसूस करने की ज़रूरत है. तो पाइसेस आपको वो चीज़ महसूस करने की ज़रूरत है, लाइक यू बोथ विल कम टुगेदर, बट आपको टाइम देना होगा एंड यू हैव टू बिलीव. ठीक है, कि इट इज़ मेंट टू बी, वो हो जाएगा. बट कुछ चीज़ें हैं जो चल रही हैं एक्चुअली में, तो सॉल्व होंगी. ओके, चलिए अब हम करियर की बात करेंगे. लेट मी पिक ऑल दीज और फिर हम पाइसेस के करियर की बात करेंगे. ब्यूटिफुल एनर्जी दो, राइट? ओके पाइसेस, करियर वाइज ये जो महीना है, क्या चेंजेस लेके आ रहा है फॉर ऑल द पाइसेस पीपल? ओके, स्टेबिलिटी. कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो वो वाली एनर्जी है. देखिए आप कुछ काम, आप कुछ भी कर रहे हैं, इट्स अबाउट यू हैव टू फेस चैलेंजेस अंटिल एंड अनलेस यू डोंट गिव अप. आप गिव अप ना करें, ठीक है, आप अपना रास्ता क्लियर करते जाएंगे. क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है. इसका मतलब ये है कि जैसा जैसा आप सोच रहे हैं वैसा वैसा आप अचीव करते जाएंगे, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है. क्वीन ऑफ कप्स, इट्स अबाउट कंटेंटमेंट, कि अंदर से हैप्पीनेस. ठीक है, एस ऑफ कप्स, और मुझे ऐसा लग रहा है लाइक यू आर पुटिंग एफर्ट, काम की कोई कमी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि बस आप गिव अप नहीं करें. तो उसके लिए आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, और ठीक है यू हैव टू स्टे पॉजिटिव. और दूसरा ये कि आगे बढ़ते जाइए, रास्ता अपने आप बनता जाएगा. बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी वही रिफ्लेक्ट कर रही है, आप देख सकते हैं आसपास सारे इट्स लाइक वेरी कोल्ड एनर्जी, आइस एनर्जी है, और लेकिन पाइसेस इज लाइक मूविंग अहेड. कुछ भी है, आप यू आर मेकिंग अ वे, या यू कह लीजिए रास्ता खुद ब खुद बनता जा रहा है, और आप उस लाइक यू नो यू आर हेडिंग टूवर्ड्स वेयर आपकी सारी नीड्स पूरी हो रही हैं, आप अप्रिशिएट, एंड आपकी पर्सनैलिटी में भी बहुत चेंज आ रहा है. अगर आप पास्ट से अपने आप को कंपेयर करें, सो आई थिंक यू हैव लाइक चेंज्ड अ लॉट, यू आर काइंड ऑफ अ बेटर पर्सन नाउ. सो आई थिंक यू अग्री ऑन दैट, राइट?
सो यस स्पाइसेस लाइक मूविंग अहेड इट्स लाइक टाइम फॉर यू तो अपना काम करते जाइए स्टे अवे फ्रॉम पीपल यस यहाँ पे हमारे पास डिसीट का कार्ड आ रहा है सो मनी वाइज हो सकता है कि कोई यू नो लाइक समबडी ट्राइंग टू चीट यू मैन्यूपुलेट यू इस चीज से थोड़ा सा बच के रहिए या आपका जो कहते हैं ना कि हार्डवर्क आप कर रहे हैं तो यू नो तो ऑलवेज बी अवेयर कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं दूसरा ये हॉस्टिलिटीज का कार्ड है तो मे बी इट्स अबाउट लाइक डिफरेंट डोर्स आर ओपनिंग अप नए नए डोर्स खुल रहे हैं आप बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर यू सो इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी दो और एक्सप्लोर कहते हैं ना एक दरवाज़ा बंद होता है तो कई और नए दरवाजे खुल जाते हैं यहाँ तो बहुत सारे ये दिख रहे हैं सो मे बी लॉट ऑफ न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप और आपकी अगर कुछ इच्छाएं हैं इफ़ यू वॉन्ट टू यू नो गेट समथिंग आई थिंक उसके लिए कुछ रास्ता खुल रहा है यहाँ देख सकते हैं लाइक एक लाइट आ रही है तो वो जो लाइट है उसको फॉलो करना है आई थिंक वो आपको अपने आपके मंजिल तक ले जाएगी लॉट ऑफ डोर्स बट देयर इज अ यू नो लाइक अ स्पेशल डोर मुझे ऐसे लग रहा है दैट इज ओपनिंग अप फॉर यू जून महीने में स्पेशल कोई डोर यू नो खुल रहा है एंड वी आर गेटिंग दैट लेट गो एनर्जी सो आई थिंक यू आर वॉकिंग अवे एंड इट्स वर्किंग इन योर फेवर लेट गो करते जाइए आगे की तरफ बढ़ते जाइए मूविंग ऑन इसे कहते हैं तो क्या गाइडेंस है चलिए देख लेते हैं फटाफट से फॉर ऑल द पाइसेस पीपल व्हाट गाइडेंस डू वी हैव बार बार एक ही चीज आ रही है एंड दैट इज प्लीज स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल ओके आपको टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है पाइसेस यहाँ पे कंडीशनिंग ये डेविल का कार्ड है इसका मतलब ये है वर्क ऑन योर सेल्फ यू आर कैपेबल इनफ आपके अंदर पोटेंशियल है ज्यादा ओवर थिंक मत कीजिए यू नो और जब भी आपको लगता है कि कुछ हावी हो रहा है प्लीज कनेक्ट विद योर एंजल्स डिवाइन वो बहुत जरूरी है जून महीने में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू कनेक्ट विद द सोर्स कनेक्ट विद इन जैसा कि स्टार्टिंग में हमारे पास कार्ड आया था इट्स ब्लेसिंग फॉर यू गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए चैंट कीजिए जल्दबाजी किसी भी चीज़ में मत कीजिए ठीक है जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है दूसरा ये बी इन दैट एनर्जी यू नो और प्रोटेक्ट योर एनर्जी अपने गाइड्स के साथ कनेक्ट कीजिए और ओवर थिंकिंग से बचिए ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है फॉर द मंथ ऑफ जून एंड इट्स गोइंग टू रियली हेल्प यू आउट फॉर ऑल द पाइसेस पीपल तो ये थी आप लोगों की रीडिंग आई होप आपको पसंद आई हो और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम टेक केयर